पक्के के बंदोबस्त हैं वहाँ। जी देखिए, मैं सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं अभी रोडवेज बस डिपो पे हूँ और यहाँ पर रोडवेज प्रबंधन की ओर से वाटरप्रूफ टेंट यहाँ पे लगाया गया है, ताकि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे अगर देर रात को आए और वो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त किए गए हैं जिन स्थलों पे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो उनको वहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाए। साथ ही साथ अगर उदयपुर की बात करें तो 69 सेंटर पर परीक्षाएँ होंगी और इस दौरान करीब 77,000 अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचेंगे और परीक्षा का आयोजन करेंगे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने से पहले कुछ देर पहले हमने बात की थी, उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा के आयोजन को लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दे दिया गया है। छात्र जो है अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो सकुशल अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचे वहाँ तक की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क सफर तय करके रोडवेज की बसों से उदयपुर आ रहे हैं और उसके बाद सिटी बसों की और वो व्यवस्था की गई है जो कि तमाम जो छात्र हैं वो अपने परीक्षा स्थल पर पहुंच पाए। नकलचियों पर लगाम लगाने को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। फ्लाइंग की टीमें जो है वो बनाई गई है। साथ ही साथ एक घंटे पहले 9 बजे तक कल परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश मिलेगा, उसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा और उसके बाद ट्रेजरी के स्ट्रॉन्ग रूम से जो रीट के पेपर हैं वो रवाना होंगे और उसकी व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। तो कहा जा सकता है कि व्यवस्था चाक चौबंदे पुख्ता है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे आए, उनसे बात करेंगे। भैया, कहाँ से आप आए हैं एग्जाम देने? बांसवाड़ा से। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ लगी? कोई परेशानी वगैरह कुछ हो रही है? अच्छी, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? व्यवस्था तो अच्छी है सब, और सेंटर तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं हो रही, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ सेंटर कहाँ आया है? सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आया है, बिल्कुल। देखिए, सेंटर आए हैं और तमाम अभ्यर्थी छात्र जो है वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। कुछ और छात्रों से मैं बात करूँगा। ये कहाँ से आना हुआ आपका? बस कुशलगढ़ से। कुशलगढ़ से आए। किस तरह की यहाँ पे आप पहुँचे, कोई परेशानी आपको या कोई मदद वगैरह मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। क्या क्या मतलब? रहने की व्यवस्था मिल पा रही है, खाने पीने की व्यवस्था मिल पा रही है। और बिल्कुल देखिए, रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उसके अलावा 10 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे कि हेल्प डेस्क लगाई गई है। ये तमाम वो पॉइंट चिन्हित किए गए जहाँ से कि अभ्यर्थी चाहे वो चित्तौड़गढ़ से आए, राजसमंद से आए, डूंगरपुर बांसवाड़ा से आए, किसी भी तरफ से आए, लेकिन जब वो वहाँ पे उतरेगा तो उसको वहाँ पर एक हेल्प डेस्क मिले और वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है ताकि हर कदम पर जो है परीक्षार्थी जो पहुंच रहे हैं मदद मिल सके। एक बार जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानी, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? और जैसा हमने देखा, उदयपुर में आने जाने में तो किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बाकी जो व्यवस्थाएं हैं और जो लोग पहुंच रहे हैं, कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी? देखिए, आपको बता दूं।